पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के एक बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। मामले में जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्ची को एक युवक लेकर गया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें एक लड़की की संलिप्तता भी सामने आ रही है। पुलिस के सामने मामला आने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची को खोजने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक लड़की की बरामदगी नहीं हो रही है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है और कुछ भी कहने से बच रही है। तो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे एक बच्ची लापता हुई है, अब तक इसकी कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक शख्स इस बच्ची को हाथ पकड़े हुए नजर आ रहा है, कहीं ले जाते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल पुलिस छानबीन इस फुटेज के आधार पर कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक लड़की की संलिप्तता भी सामने आ रही है। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, बच्ची लापता है, सीसीटीवी फुटेज भी हम देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है मामले पर? देखो राहुल, देर रात से जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है, जानकारी बहुत चौंकाने वाली है। इस मामले में एक गिरोह काम कर रहा है, जो अभी तक की जांच में पता चला है, और इस बच्ची को किसी को सौंप दिया गया है। पुलिस ने यह प्रारंभिक तौर पर मान नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह लड़का वहां से लेके निकलता है। इस लड़के को बच्ची किसने दी है, ये अपना बयान लगातार बदल रहा है, क्योंकि पुलिस ने इससे पूछताछ की है। ये बच्ची किसको दिया ये भी ये लगातार नहीं बता पा रहा है। रात से बच्ची की खोज लगातार जारी है। एफआईआर दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज किडनैपिंग का हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में एक गिरोह है जो बच्ची को बेचने का काम कर रहा है। जो जानकारी आ रही है वो जानकारी कुछ पैसे के लिए बच्ची को बेच दिया गया है या किसी को सौंप दिया गया है। और बड़ा गंभीर मामला है। फिलहाल पीरबहोर थाना प्रभारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ हो रही है, जल्दी बच्ची को बरामद किया जाएगा और जल्द पूरे मामले का खुलासा पुलिस का। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए।